मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ईवीएस क्लास। डियर चिल्ड्रन, वी हैव रिवाइज्ड आवर चैप्टर रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड आई टोल्ड यू दैट व्हाई वी कॉल देम रिलीजियस फेस्टिवल्स। आपको बताया था कि उनको धार्मिक त्यौहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन फेस्टिवल्स के पीछे कोई ना कोई गॉड स्टोरी होती है, भगवान जी की कोई ना कोई कहानी है। But today we will come to know why we call these festivals national festivals. National festivals means Rashtriya Parv, nation. ठीक है, national means nation. Nation is राष्ट्र, हमारा देश. And festivals, Parv या त्यौहार. So dear children, we discussed in our life class also that we all are Indians. We live in India and we all are Indians. And we should love and respect our country, है ना? और आपसे ये भी बात हुई थी कि आज जिस इंडिया में हम रह रहे हैं, हमें ये इंडिया ऐसा नहीं मिला था। बहुत से लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है फ्री इंडिया के लिए, राइट? सो हमारी इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसे दिन आए हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और वी सेलिब्रेट those days in the form of national festivals. The most important national festivals are Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, Teachers Day, Children's Day. Different countries have different national festivals. Har country ke beta apne alag alag rashtriya tyohar hote hain. So today we are going to discuss Independence Day and Republic Day. We have recently celebrated Independence Day. है ना, हमने सेलिब्रेट किया था, और कब होता है इंडिपेंडेंस डे? अगस्त, 15 अगस्त। एंड वाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? वी टोल्ड यू मैनी टाइम्स डैट आर कंट्री वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। काफ़ी साल पहले अंग्रेज़ों ने हमारी कंट्री पर अपना कब्जा किया था, एंड मैनी फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल्ड, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, बहुत दुख उठाए उनको हमारी कंट्री से बाहर भेजने में। और 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन था जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी मिली हमें। India got freedom from British rule on 15th August 1947. आज के दिन ब्रिटिश लोग हमारी कंट्री को छोड़कर चले गए थे। कौन से ईयर में? 1947. We celebrate Independence Day on 15th August every year. इसीलिए हर साल हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड डिलीवर्स स्पीच। हु इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर? वी ऑल नो हिज नेम, श्री नरेंद्र मोदी। तो आज के दिन वो क्या करते हैं? वो रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, लाल किला में वो झंडा फहराते हैं एंड डिलीवर स्पीच। स्पीच होता है बोलना, वो माइक पे खड़े होके बोलते हैं, और वो क्या बताते हैं कि आने वाले हमारे समय में हमारे प्लान्स क्या हैं, हम अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए और क्या क्या करेंगे ताकि हमारी इंडिया और अच्छी हो, और प्रोग्रेस करे, और प्रॉस्पेरिटी आए। प्रॉस्पेरिटी मीन्स खूब धन संपत्ति, सब लोग यहाँ के खुश हों, यहाँ के सब लोग पढ़े लिखे हों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इससे रिलेटेड हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने प्लान्स बताते हैं। वी ऑल सेल्यूट द फ्लैग एंड सिंग नेशनल एंथम। और हम सब क्या करते हैं? हम अपने झंडे को सेल्यूट करते हैं और क्या गाते हैं? नेशनल एंथम। कैन यू नो व्हाट्स योर, विच इज़ योर नेशनल एंथम? जनगणमन। ओके, हम सब ने 15 अगस्त को अपनी लाइव क्लास में भी खड़े होकर नेशनल एंथम गाया था। यू ऑल मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट। याद है आप सबको ये? सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ योर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हु इज सेल्यूटिंग आर नेशनल फ्लैग।
जो झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं. एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट. अब कभी भी आप दिल्ली जाएं तो आप रेड फोर्ट ज़रूर देख के आइएगा. नाउ ट्राइकलर, वी विल डिस्कस अबाउट आवर फ्लैग. आप सबको पता है हम अपने झंडे को क्या कहते हैं, तिरंगा, क्योंकि हमारा झंडा तीन रंगों का है. तिरंगा मीन्स तीन रंगों वाला. और वो तीन रंग क्या क्या कहते हैं, उनका क्या क्या मतलब है, देखते हैं कि उन रंगों को क्या सोच के रखा गया है. सेफ्रन, हमारे पहला ऊपर कलर कौन सा होता है, सेफ्रन. सेफ्रन मीन्स ऑरेंज. स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज. किस चीज़ को दर्शाता है, वो बताता है कि जो ऑरेंज कलर है ब्रेवरी का, ताकत का, हिम्मत का, आगे बढ़ने का, कि हमें भारतीयों में बहुत कुछ करने की शक्ति है. तो सेफ्रन स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, हिम्मत एंड करेज, डेयर, ब्रेवरी, राइट. वाइट स्टैंड्स फॉर पीस एंड प्योरिटी. पीस मीन्स शांति एंड प्योरिटी मीन्स शुद्धता. आपने दूध देखा है, दूध कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है. और हम भगवान जी पर भी चढ़ाते हैं तो वो प्योर है, सबसे शुद्ध है. तो वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस, शांति. देश में शांति रहे, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, सब मिल बांट के प्यार से रहें एक दूसरे के साथ. ग्रीन स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ. ग्रीन कलर क्या बताता है, ग्रीन कलर इज आप अगर अपने बेटा खेत खल्यान पेड़ पौधे देखें तो वो कौन से कलर के हैं, सब हरे रंग के हैं. तो वो बताता है कि हमारा देश ऐसे ही हरा भरा रहे, हमारे देश में कभी सूखा ना पड़े, किसी को अन्न की कमी ना हो, खाने की प्रॉब्लम ना हो. और ग्रोथ मीन्स प्रॉस्पेरिटी, हमारे देश में धन संपदा, कोई भी गरीब ना हो, किसी के पास खाने की प्रॉब्लम ना हो, सबके पास धन संपदा हो, हमारा देश आगे बढ़े. नेवी ब्लू व्हील नोन एज अशोका चक्र स्टैंड्स फॉर व्हील ऑफ प्रोग्रेस. और जो बीच में एक व्हील दिखाई देता है वाइट कलर के बीच में नेवी ब्लू कलर का, उसको हम क्या कहते हैं, अशोका चक्र. एंड स्टैंड्स फॉर व्हील ऑफ प्रोग्रेस. जैसे एक पहिया, गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया, किसी भी चीज़ का पहिया हमें आगे लेके जाता है, इसी तरह ये अशोका चक्र एक व्हील है, एक पहिया है, जो बताता है कि हम आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें, ग्रो करें, राइट. नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे. वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी, 26 जनवरी को हर साल. बेटा आप लोग स्कूल आते हो, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज रिपब्लिक डे, क्यों मनाया जाता है. तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आप लोग स्कूल आते हो, स्कूल आने का एक टाइम है, यू कम एट 8:30 एंड यू गो बैक एट 1:30, राइट. उसके बाद जब आप स्कूल में आते हो, आपका ज़ीरो पीरियड होता है, दो तीन पीरियड्स आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपका लंच टाइम है, राइट. उसके बाद आपका डिस्पर्सल हो जाता है. हर चीज़ एक टाइम से होती है, ऐसा तो नहीं ना आप कभी भी आए और कुछ भी जब आपका मन कर रहा है आप आ रहे हो जा रहे हो, ऐसे नहीं होता. कुछ रूल्स बनाए गए हैं स्कूल की तरफ से. अच्छा, आप ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ड्रेस पहन के आ जाओगे, एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म होती है. जब आप आ रहे होते हो या आप सड़क पे भी घूम रहे होते हो तो एनीबॉडी कैन से कि ये दयाल सिंह के बच्चे हैं, ये दयाल सिंह की यूनिफॉर्म है. ओके, सेकेंडली एक आपका टाइम टेबल बना होता है कि मंडे को आपने ये बुक्स लेके आनी है, ट्यूसडे को आपने ये बुक्स लेके आनी है. ऐसा तो नहीं ना कि एवरी डे यू ब्रिंग ऑल द बुक्स. अगर हम ये सब चीज़ें ऐसे रूल्स नहीं बनाएंगे, है ना, ऐसे सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे तो क्या जितनी अच्छी तरीके से सारे काम हो जाते हैं, क्या हो सकते हैं. आप कभी भी स्कूल आ रहे हो, जब आपका मन कर रहा है आप जा रहे हो, आप कोई भी कपड़ों में आ रहे हो, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, खाने का कोई भी टाइम है, तो क्या ये सब ठीक से हो सकेगा. नो, एक जगह को अच्छे से चलाने के लिए, है ना, उसको बहुत तरीके से चलाने के लिए वी मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसी तरह जब हमारा इंडिया 1947 में फ्री हुआ, ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए, तो मोर देन
250 पीपल अराउंड 300 लोगों ने बैठ के कुछ रूल्स फ्रेम किए कि हम अपनी इंडिया को कैसे चलाएंगे, है ना। उसमें B.R. अंबेडकर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने रूल्स को फ्रेम करने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। तो कुछ रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए जिससे हमारी इंडिया का जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिया में जो भी काम होंगे किस तरीके से होंगे। तो इस चीज़ को करने में, उस बुक को बनाने में बेटा 3 ईयर्स लगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओके। उस बुक को क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आज तक भी उसके हिसाब से हमारी इंडिया रन कर रही है। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। द रिपब्लिक डे परेड टेक्स एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। अगर आप सबने टीवी पर देखा हो तो 26 जनवरी को हर साल राजपथ में जितनी भी परेड होती हैं, बहुत सुंदर परेड होती हैं, वो की जाती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक्स अ सैल्यूट एट द परेड। अभी हमने बताया कि इंडिपेंडेंस डे पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, ही सैल्यूट्स द नेशनल फ्लैग। सिमिलरली ऑन रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट, अब प्राइम मिनिस्टर नहीं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो जितनी भी परेड्स निकलती हैं वो उन सबको सैल्यूट करते हैं। मेन एंड वुमेन फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टेक प्लेस इन द परेड। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट। बहुत से लोग इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं। एयरफोर्स वाले कौन हैं? जो जहाज उड़ाते हैं। नेवी वाले जो शिप्स लेते हैं, शिप्स का काम है जिनका। और आर्मी आपको पता ही है, वी ऑल आर प्राउड ऑफ आर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग राज्यों से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार जब 26 जनवरी की झांकियां आएंगी, परेड होंगी, आप सब देखिएगा, यू ऑल विल डेफिनेटली इंजॉय इट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, यू कैन सी आवर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। और आप देखिए परेड की भी पिक्चर है, एंड वी कैन सी द राजपथ ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत। We will discuss another important national festivals in our next class.